हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RB_A2Z वीडियोज़ में। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको एक सनफ्लेम का PTC रूम हीटर दिखाने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे ये यूनिक लगा, थोड़ा सा अलग लगा दूसरे रूम हीटर से। ये भी ब्लोअर ही है, तो मैंने कहा कि इस पर वीडियो बना के आपको दिखाऊँ। इसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा, इसके रिव्यू दूंगा, इसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम लोग। तो देख सकते हैं ये सनफ्लेम ब्रांड का है PTC हीटर। इसका मॉडल नंबर है SF902। तो थोड़ा इस डब्बे को देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आप इसे पॉज करके भी देख सकते हैं। ये मॉडल लिखा हुआ है, स्पेसिफिकेशन है 2000 वाट, 230 AC वोल्ट और 50 हर्ट्स। एक नंबर इसका MRP देख सकते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए डब्बे पे। चलिए इसे खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इसे निकालते हैं। देखिए अंदर कुछ नहीं और ठीक है। ये इसके अंदर एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड है, तो इसको साइड में रखते हैं। मेन यूनिट निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेन यूनिट बाहर निकाल लिया है मैंने। एक हाथ से वीडियो बनाता रहता हूँ और एक हाथ से आपको बताता रहता हूँ, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो एडजस्ट कर लीजिए। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो है, इसका जो एलिमेंट है ना, हीटिंग एलिमेंट, सिरामिक हीटिंग एलिमेंट है, PTC सिरामिक एलिमेंट, ठीक है। और ऊपर मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो आप देख रहे हैं, ये थोड़ा फोकस कर लूँ, ये जो देख रहे हैं ये थर्मोस्टैट कंट्रोल नॉब इसको कहते हैं। ये है फंक्शनल कंट्रोल नॉब, और यहाँ आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये लाइट है, कहते हैं पावर इंडिकेटर लैंप कह सकते हैं इसको। जब आप ऑन करेंगे तो इसमें रेड कलर की लाइट इंडिकेशन आएगी, ठीक है। और यहाँ आप देख सकते हैं पीछे पीछे ये देख रहे हैं, ये कैरी हैंडल है, इससे इससे आप ऐसे कैरी कर सकते हैं, इसको उठा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा तो नहीं है, संभल के उठाइएगा। देखिए इसमें फ़ैन भी है अंदर, है ना, पीछे मैं दिखाना आपको चाहूँगा। ये देखिए आप, ये फ़ैन है, जैसे ब्लोअर होता है, फ़ैन है, हवा लेगा और गर्म करके, एलिमेंट के थ्रू गर्म करके हवा बाहर देगा, ठीक है, जिससे कि रूम गर्म होगा। और मैं इसको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा, जैसे ये देख सकते हैं आप नीचे, ये स्टेबल बेस है, इस बेस के ऊपर ये पूरा हीटर रखा हुआ है, स्टेबल है। अच्छा, कुछ ब्रांड के जो ये हीटर होते हैं उसमें ये मूव होता है, ये जो फ़ैन है, ये बेस तो स्टेबल रहता है, ये मूव होता है, लेकिन इसमें ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। या अच्छा, ये जब आप हीटर चलाएंगे तो ऐसा नहीं कि ये बॉडी गर्म हो जाएगी, ये बॉडी ठंडा ही रहेगा। और एक चीज़ इसमें और अच्छा अच्छा लगा क्या मुझे, मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं ना, इसको कहते हैं टिप ओवर सेफ्टी स्विच। ये देखिए, ये प्रेस जब रहेगा तो आपका स्विच हीटर जो है वो ऑन रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही ये मान लीजिए किसी कारण गलती से गिरता है, गिर जाए, आप मान लीजिए रखकर चला रहे हैं इसे और गिर जाए, तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा हीटर, तो जिससे कि सेफ्टी बनी रहेगी। मान लिया आसपास का कोई कपड़ा है या कुछ ऐसी प्लास्टिक है, कुछ कुछ भी चीज़ें जो जल सकती है वो जलेगा नहीं, क्योंकि ये ऑफ हो गया, गिरा। या जब आप कैरी करते हैं इसको, उठाएंगे तो ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा, पुल ओवर हो जाएगा, तो ये ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो एक तरह से ये सेफ्टी स्विच है। जैसे आपने देखा होगा फ्रिज है, फ्रिज का हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो प्रेस होता है अंदर का नॉब, तो लाइट ऑफ हो जाती है। जैसे ही डोर खोलते हैं और नॉब रिलीज होता है तो वो ऑन हो जाता है, बस इसी तरह से है ये। इसमें ऐसा है कि प्रेस होगा तो ऑन और रिलीज हो गया तो ऑफ। इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ कैसा है ये। ऊपर के तो फंक्शन को आप समझ ही गए होंगे, ये टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए है। टेम्परेचर कंट्रोल, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये मार्क बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ये देख रही। तो ये जितना आप प्लस प्लस की तरफ जाएंगे उतना हीटिंग बढ़ेगा आपके रूम की, और उतना ही देर तक ब्लोअर चलता भी रहेगा, बिजली कंजम्पशन होगा। और जितना आप कम रखेंगे उतना उतने कम तापमान पे ऑटो कट हो जाएगा, उतना कम चलेगा। तो जितना आपको टेम्परेचर बनाना है, अगर गर्म करना है रूम को, आप उतना अपना एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, है ना। और जितना, जैसे मान लिया आपने यहाँ सेट किया तो रूम का टेम्परेचर अगर आ गया इतना, तो ये ऑटो कट हो जाएगा। और दूसरे का फंक्शन ये है, इसको कहते हैं फंक्शन कंट्रोल नॉब। ये कैसे है, 0 मतलब ऑफ, ये फैन मतलब ओनली फैन चलेगा, मतलब कूलिंग, 1 वार्म मतलब 1000 वाट पर चलेगा, 2 हीटिंग यानी 2000 वाट पर चलेगा। इसमें सबसे ज़्यादा गर्म हवा निकलेगा, गर्म करेगा आपका रूम और बिजली भी ज़्यादा लेगा,
ये 1000 वाट पे चलेगा, ये ओनली फैन चलेगा मतलब रूम आपका गर्म नहीं करेगा, और 0 मतलब ऑफ। पीछे फैन तो दिखाई दिया मैंने आपको, फैन देख लीजिए फिर से, और सन फ्लेम ब्रांड का है ये। मैं इसे ऑन करके इसे चला के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने प्लग सॉकेट में लगा दिया है, इसका वायर अप्रॉक्स 2 मीटर होगा, ठीक है, इसका वायर अप्रॉक्स 2 मीटर होगा। तो यहाँ से मैं ऑन कर दूँ पहले, ये देखिए मैं पास में ला के आपको दिखाता हूँ पहले। ये देखिए अभी 9 मेरा, ये देखिए ऑफ हो गया, यहाँ 0 पे। देखिए यहाँ इंडिकेशन यहाँ बना हुआ है इसका, अगर आपको दिख रहा होगा इंडिकेशन यहाँ, ये किसके 0 के सामने है। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है इंडिकेशन इन्होंने गलत दे दिया, इंडिकेशन इधर देना चाहिए था, चिन्ह जो है मार्क इधर देना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, समझ लीजिए अभी 0 है। ये देखिए अब अभी ये सिर्फ फैन चलेगा, ठीक है। ये देखिए इंडिकेशन लैंप ऑन हो गया, इंडिकेशन लैंप ऑन हो गया ना। अभी ये सिर्फ फैन कूलिंग दे रहा है, कूल ठंडी हवा, मतलब जस्ट ठंडी हवा कहने का मतलब हवा दे रहा है, ये गर्म नहीं दे रहा है। जैसे ही हम इसको देखिए 1000 वाट पर किए, ये गर्म हवा देना शुरू कर दिया, हल्का गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, देख सकते हैं। मैंने 1000 पे किया है, अभी 2000 पे कर रहा हूँ, 2000 पे किया, अब ये बहुत गर्म हवा दे रहा है। अच्छा साउंड की अगर बात करते हैं तो थोड़ा साउंड है इसमें, थोड़ा साउंड है, लेकिन आप अगर स्टेबल जैसे मान ली फ्लोर पर रखा आपने तो देखिए अभी बहुत कम आवाज़, लेकिन जैसे टेबल पर रखा है या कोई भी ऐसी चीज़ पर रखेंगे जो वाइब्रेट करेगा ना, तो थोड़ा सा आवाज़ आएगा, क्योंकि ये रनिंग इक्विपमेंट है, फ़ैन चल रहा है अंदर, तो कोई भी अगर रनिंग इक्विपमेंट होता है तो वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है और फिर आवाज़ होती है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं थर्मोस्टेट कंट्रोलर की, तो ये देखिए जितना जितना बढ़ाएंगे, जितना प्लस पे जाएंगे, जितना प्लस पे जाएंगे उतना गर्म करेगा, टेम्परेचर ज़्यादा गर्म करेगा और ऑटो कट होने में भी टाइम लगेगा। और जितना देखिए कम करूँगा, देखिएगा ऑटो कट होगा, यहाँ इंडिकेशन देखिएगा, अगर मैंने कम कर दिया देखिए ऑटो कट हो गया ना, और ऑटो कट हुआ है तो जैसे ही रूम का टेम्परेचर डाउन होगा ये फिर से चल पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसका सेटिंग बढ़ा दिया, देखिए बढ़ाते ही ये चल गया, ठीक है। थोड़ा साउंड है इसमें, देखिए कुछ वाइब्रेट हो रहा है, तो ये साउंड हो रहा है, अगर प्रेस कर देंगे तो नहीं होगा, शायद इससे हो रहा है या कुछ से, ठीक है। अच्छा सेफ्टी जो नॉब नीचे था जिसको टिप ओवर सेफ्टी स्विच कह रहे थे उसकी बात करते हैं। जैसे देखिएगा मैं उठाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ये देखिएगा देखिए उठ गया तो ऑफ हो गया, ठीक है। जैसे ही रखेंगे चल गया, क्यों? क्योंकि वो जो नीचे हमने सेफ्टी स्विच की बात की थी वो रिलीज हो जा रहा था तो ऑफ हो जा रहा है, प्रेस हो जा रहा है तो ऑन हो जा रहा है। और देख सकते हैं ये जितनी है बॉडी जो है ये ऐसा नहीं कि गर्म हो जा रहा है, ये कूल है। अब ये सामने टच कीजिएगा तो सामने ये जो मैस है ये तो गर्म होगा ही ना, गर्म हवा आ रहा है तो ये सब कूल है, ये गर्म नहीं होता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फ्रेंड्स।